सुबह के 4 बज गए और इसे अभी तक नींद नहीं आ रही है। मतलब 2 बजे उठी है, 2 बजे से लेके अभी तक फुल ऑन एक्टिव और एनर्जी तो भर भर के। निन्नी नहीं आ रही? निन्नी नहीं आ रही? मम मम गुड मॉर्निंग हो गया, गुड मॉर्निंग। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? होप यू गाइस आर वेल एज लाइक मी। सो नए एक ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज का ब्लॉग थोड़ा सा होगा डिफरेंट, क्योंकि आज टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज के ब्लॉग में क्या होगा। तो यस, आज मैं रूही का रूटीन शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो न्यू बॉर्न बेबी का कोई भी रूटीन नहीं होता है, क्योंकि वो कुछ भी टाइम से नहीं करते हैं। ना उनका खाना टाइम पे होता है, ना ही उनका सोना, ना जागना। एंड रूही अभी 1 मंथ पार कर चुकी है, तो मैंने सोचा कि अभी थोड़ा सा उसका रूटीन शेयर कर देती हूँ, ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि 1 मंथ बेबी का रूटीन क्या होता है एंड वो क्या करती। सो रूही अर्ली मॉर्निंग उठ जाती है एंड अभी घड़ी में 5:30 बज रहे हैं एंड कुछ दिनों से वो 5:30 बजे ही मॉर्निंग को उठ जाती है। एंड रूही की एक अच्छी आदत है कि वो उठते ही रोती नहीं है, उठने के बाद थोड़ा सा खेलती है, इधर उधर देखती है, हाथ पर हिलाती है। फिर मैंने उसका डायपर चेंज कर दिया है, डायपर चेंज करके फिट करा के फिर से उसे सुला दिया है और वो सो भी गई है। और अभी घड़ी में 7 बज चुके हैं, 7:15 हो रहा है। तो वो 5:30 बजे उठी है, फिर थोड़ा सा खेली है, फिर फीट किया है उसने, फिर जाके अभी सोई है 7:15 में। तो पक्का 1.5 घंटे का नैप लेने के बाद रूही अभी उठने वाली है एंड अभी घड़ी में बज रहे हैं 7:55। अभी देखना, स्लोली स्लोली अपनी आँखें खोलने वाली है एंड फुल ऑन रिलैक्स मोड में है अभी एंड फुल ऑन एक्टिव भी रहने वाली है। और अभी लॉन्ग टाइम तक वो सोने भी नहीं वाली एंड इसी वेकअप में उसका जो है मसाज वगैरह सब करवाती हूँ मैं। नॉर्मली 10 बजे 11 बजे तक रूही का मसाज हो जाता है एंड उसके मूड पे भी डिपेंड करता है, उसकी एक्टिविटी पे भी डिपेंड करता है कि वो मसाज करने देती है या नहीं। तो वही देखना है कि आज वो क्या करती है। तो देखो अभी वो उठ गई है एंड वो बहुत ही साइलेंटली उठती है, मतलब ना कोई चिल्लाना, ना कोई शोर, कुछ नहीं, एकदम साइलेंटली उठ जाती है। एंड मैं भी उसे उसी तरह से ट्रीट करती हूँ जैसा वो मतलब पसंद करती है। मैं भी नॉर्मली उसे गुड मॉर्निंग मम्मा, गुड मॉर्निंग मां की टिपा ऐसा बोल बोल के उठाती हूँ एंड वो एकदम रिलैक्स फील करती है। एंड ऐसा करना चाहिए क्योंकि बेबी का जो माइंड है वो एकदम शांत होता है अभी जब वो नींद से उठती है। तो देखो कैसे स्माइल कर रही है। से गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, से गुड मॉर्निंग। यो Say good morning. Yay.
बोलो, मैं तो सुबह ही सोई थी, मैं तो 6 बजे ही सोई थी। हाँ है ना, मैं तो सुबह सुबह ही सोती हूँ फिर उठ जाती हूँ। सो अभी देखो 10 बज रहे एंड वो सो गई है। एंड अभी जो है मतलब 10-15 मिनट मिलता है मुझे थोड़ा सा काम करने का, झाड़ू वगैरह लगाने का, और फिर उठ जाती है। तो चलो मैं जल्दी से मतलब वो सोते सोते मैं अपना काम कर लेती हूँ, नहीं तो फिर नहीं हो पाता है। उस देखो वो उसे नीचे सुला देती हूँ तो फिर वो जागती रहती है, आंखें खोलना, देखना उसके आसपास कोई है या नहीं, अगर कोई नहीं रहेगा तो वो उठ जाएगी। तो चलो सोते सोते जल्दी से काम कर लेती हूँ। कोई कोई मम्मम कोई मम्मम कोई मम्मम कोई एजे एजे दै तुम्ही एजे एजे तुम्ही कोई तुम्ही कोई 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 हे तू टूटे तू टूटे तू टूटे तू टूटे अच्छा तू तू आशो बाबा को ली तू बाबा आओ बो ये घूम भागे ना गुड मॉर्निंग। Thank you.
मसाज करने के बाद रूही बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करती है एंड बैक मसाज तो उसका फेवरेट है। तो मसाज करने के बाद रूही का शावर करवा के उसे सुला दिया था। तो यही है उसका रूटीन। अभी बाद में जो है वो उठेगी, फिर से फीड करेगी, फिर से सोएगी, खेलेगी एंड पॉटी करेगी। बस यही है बच्चों का रूटीन। तो न्यूली बॉर्न मतलब एक 1 मंथ ओल्ड बेबी का कोई रूटीन होता ही नहीं है मेरे ख्याल से। बट मेरे हिसाब से जितना हो सका मैंने शेयर करने की कोशिश किया। सो आई होप आपको ये रूटीन का ब्लॉग अच्छा लगा होगा और ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए कमेंट ज़रूर करें। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय।